आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर आते हैं आज के किसी खास खबर पर। गला काट कर एक युवक की हत्या कर दी गई है। युवक की हत्या की खबर सुनकर घर में मातम छा गया है। बता दें कि साहिबगंज जिले के राधानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत लखीजोल गांव स्थित गौ चरवाहा मैदान से पुलिस ने एक शव को बरामद किया है। जानकारी के अनुसार मृतक का नाम करण मंडल है, जो कि पश्चिम उधवा अंतर्गत आने वाले मिर्जा नगर गांव निवासी बताया जा रहा है। राजमहल पुलिस निरीक्षक रामसागर तिवारी ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु राजमहल भेज दिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। इधर मृतक की मां ने आरपी भारत के पत्रकार को जानकारी देते हुए बताया कि उनका बेटा करण पेशे से ड्राइवर था। बुधवार की अहले सुबह 6 बजे एम्बुलेंस लेकर मालदा गया था। मृतक की मां ने बताया कि रात्रि करीब 8:30 बजे दूरभाष पर मेरी बात बेटे से हुई थी। उन्होंने राजमहल फदकीपुर में होने की बात कहते हुए जल्द घर आने की बात कही थी। घंटों प्रतीक्षा के बाद बेटे को रात्रि में घर ना आने की बात कहते हुए उन्होंने बताया कि सुबह ग्रामीणों के माध्यम से उक्त घटना की जानकारी परिजनों को मिली। विदितों की मृतक करण मंडल का विवाह करीब 1.5 वर्ष पूर्व हुआ था। तापोष गांगुली के साथ आनंद भगत की रिपोर्ट। कल जो घटना घटी है आपका, वो कौन लगा? मेरा लड़का है, मेरा बेटा। आपका बेटा है, बेटा। अच्छा, कल कहाँ से वो आ रहा था? कल मालदा से आया है। कल मालदा से आ रहा था? कल मालदा गया है 6 बजे। वो क्या काम करता था? वो गाड़ी चलाता है। ड्राइवर चलाता है या दुकान में ही रहता है? कौन सा गाड़ी चलाता था? एम्बुलेंस ले गया है। एम्बुलेंस चलाता था। अच्छा, तो कल कितने बजे आपसे लास्ट बात हुई थी? हम 8 बजे बात की है उससे, तो बोलता है कि हम जा रहे हैं, हम यहाँ में फुदकीपुर में आए, हम जा रहे हैं घर, यहीं फुदकीपुर में, बेसी दूर में नहीं है। अच्छा, लास्ट में फुदकीपुर में बात हुई? हाँ, ये यहाँ बोल लो माँ हम जा रही है। मजला बेटा बोले बेटा फोन लगा दे ना रे, काम है करण तो घर से बात करिए। तो फोन लगा ले कहा माँ हम यही फुदकीपुर में आके से हम घर जा रही है। अच्छा, तो ये इस घटना की सूचना आपको कैसे मिली? मैंने सवेर में सब कुछ देखा है, तो हम जान हमको बोला है, इसे हम जानते पाए। यानी ग्रामीणों की मदद से आपको मिला? हाँ, ग्रामीण लोग हमको बोला है इसे। तो उनका तो शादी हो गया था? हाँ, शादी हो गया है। उसका शादी हुआ कितना दिन हुआ है? 1.5 साल हो गया है शादी। कोई बाल बच्चा है? नहीं। अच्छा, और अभी आपके घर में परिवारों में मतलब आर्थिक स्थिति को चलाने वाला कौन था? नहीं, वही था। और इसके पीछे और कोई नहीं है अभी? सब मेरा बड़का बेटा है, वो सब देखभाल कर रहा है, देखे सबसे चला रहा है। अच्छा, उसके जाने के बाद आपकी परिवार की स्थिति में क्या कुछ परिवर्तन आ चुका है? मैंने कहूँ गाड़ी उड़ी चला तो चल जाता है कि नहीं? देखो सबको तो साथ ही है, हम अलग नहीं किए, सब साथ में रहते हैं, सब एक ही साथ रहते हैं। अच्छा, ये घटना लगभग कितने मतलब टाइम का है? हम कैसे बताएंगे कितना टाइम हुआ? फिर भी एक अंदाज पूछना चाहता हूं। आपसे जो लास्ट में बात हुई थी वो कितना बजे? 8:30 बजे बात हुआ है, यार हमसे बात नहीं हुआ। 8:30 बजे लास्ट? हाँ, हम सूत गए और हम बात नहीं किए। और तेरे बाद में 10 बजे फिर बोलने लगाया ना, मेरा छोटा बेटा लगाया तो सूत जो बता दिया मोबाइल।